हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी WhatsApp की कंपनी ने कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसी को अपडेट किया हुआ है, जिसको लेकर के थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है। डेली जब भी आप WhatsApp को ओपन करते हैं, तब आपको ये स्क्रीन पे जो मैसेज दिख रहा है, इस तरीके से आपको जरूर एक मैसेज आता होगा जिसके उसमें प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेशन को लेकर के नॉट नाउ और एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रहा है। और अगर आप 8 फरवरी तक इस टर्म्स एंड कंडीशन को अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट आपका WhatsApp अकाउंट ऑटोमेटिकली 8 फरवरी के बाद डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ऐसा क्या है जिससे यह टर्म्स एंड कंडीशन, यह प्राइवेसी एंड पॉलिसी अपडेट हुई है। और जब भी हम लोग WhatsApp को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमारे कॉन्टैक्ट गैलरी और कई चीजें हमसे वो अलाउ मांगता है, जैसे माइक और ये सब चीजें अलाउ लेता है, एक्सेप्ट करना हमको अलाउ करना होता है, तभी जाकर के हम WhatsApp को एक्सेस कर पाते हैं अच्छे से, नहीं तो नहीं चला पाते, ऑपरेट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही WhatsApp कंपनी ने कुछ नए फीचर को, नए उस टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट किया हुआ। इसमें होगा क्या कि मोबाइल कौन सी कंपनी का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आपकी आईपी एड्रेस क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, इस तरीके से ये सब चीजें आपको, इतनी चीजें आपसे पूछेगा। लेकिन जैसे ही आप, अगर आप कोई स्टेटस लगाते हैं, सपोज करिए कि आप टीवी के बारे में बात कर रहे हैं, या मान लीजिए कुछ खाने को अपने दोस्त से लेकर के, या स्टेटस आपने लगाया हुआ है, तो उसी प्रकार के फीचर या उसी प्रकार के एड्स जो है वो आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दिखाए जाएंगे। क्योंकि जो WhatsApp कंपनी है, WhatsApp कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक है, और फेसबुक वही मार्क जुकरबर्ग, उन्हीं के अंडर में, फेसबुक के अंडर में ही WhatsApp और Instagram दोनों आते हैं। दोस्तों, अगर आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरे भारत में WhatsApp के 34 करोड़ यूजर है। अगर पूरे विश्व लेवल पे बात की जाए, 200 करोड़ लोग WhatsApp को यूज करते हैं। और अगर Facebook की बात की जाए, तो Facebook को इंडिया में 31 करोड़ लोग यूज करते हैं, और जबकि पूरे विश्व में अगर बात की जाए, तो पूरे 170 करोड़ लोग यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बात करें Instagram की, तो Instagram के इंडिया में लगभग 12 से 15 करोड़ यूजर हैं, और ऐसे ही Instagram के पूरे वर्ल्ड में 116 करोड़ यूजर हैं। प्राइवेसी एंड पॉलिसी को इसलिए अपडेट कर रहे हैं ताकि वह अपने एड्स को बेहतर कर सके, और जिससे फेसबुक आसानी से कमा सके। तो चलिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यह क्यों कर रही है, फेसबुक ऐसा क्यों कर रही है WhatsApp के प्रति। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग यूट्यूब देखते हैं, तो यूट्यूब किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। जीमेल किसका प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम किसका प्रोडक्ट है, वो भी आपके गूगल का ही प्रोडक्ट। मतलब जो भी चीजें आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉइड भी अगर बात करें, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग गूगल यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड बार बार वीडियोज दिखाए जाते हैं, या कुछ ऐसे एड्स उस पर दिखाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई वीडियोज देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ खाने पीने का एड दिखाई दे रहा है, तो वो एड किसका है, गूगल का एड है। तो दोस्तों, ऐसे ही WhatsApp कंपनी का काम कर रही है कि जैसे मान लीजिए आप लोग चैट कर रहे हैं या किसी स्टेटस, कोई ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं, मान लीजिए कुछ खाने की बात कर रहे हैं, तो अब आपको क्या काम करेगा, अब वही WhatsApp कंपनी का काम करेगा कि वही सेम टू सेम अपने इस मैटर को अपने सर्वर पर रखने के बाद अपने फेसबुक को भेज देगी, और फेसबुक या किसी और को नहीं बल्कि आपको ही खुद दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ खाने पीने के बाद की, चॉकलेट की बात की, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए किटकैट की, अब क्या काम करेगा, किटकैट आपके फेसबुक पे आपको पर्सनल एड दिखाएगा, बार बार दिखाएगा, हो सकता हो आपको पसंद आ जाए और आप तुरंत क्या काम करें, ऑर्डर कर दें या खरीद लें। इससे क्या होगा कि कंपनी को बेनिफिट्स, फायदे होंगे, एड्स लग जाएंगे, फायदे होंगे। ऐसे इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी नशे की चीज है, पहले मुफ्त में दी जाती है, लेकिन जैसे ही हमको जब आदत पड़ जाती है, तो वो चीजें महंगी कर दी जाती है। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आने वाली वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे यह काम करती है, WhatsApp कैसे काम करता है, डेटा हम भेजते हैं नहीं भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी जैसे हम लोग किसी से चैट करते हैं, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, मतलब हमारी प्राइवेसी एंड पॉलिसी सिक्योर है।